को जिस तरह से डिटेन कर दिया है और अब तक उसको बेल नहीं मिला है 151, क्या किया उसने? हमने पूरे एविडेंस सेंट्रल ऑब्जर्वर के पास सौंप दिया है कि देखिए यहाँ की पुलिस, यहाँ का प्रशासन किस तरह से दबाव में शिवसेना के प्रमुख लोगों को, जो कलाबेन के लिए काम कर रहे हैं, जो मोहन भाई दिलकर जी के घनिष्ठ मित्र रहे हैं, जो ये पूरा चुनाव प्रक्रिया में महत्वपूर्ण हिस्सा ले रहे हैं, उनको डिटेन कर रहे हैं और उनको काम करने से रोक रहे हैं। एक हाथ से ताली नहीं बजेगी। हमने हमारे लोगों को कहा है कि संयम से काम करिए, पेशेंस रखिए, हमको चुनाव लड़ना भी है, चुनाव जीतना भी है। सामने से पूरा माहौल बिगाड़ने का पूरा प्रयास हो रहा है। कलाबेन दिलकर की जीत पक्की है, किसको हारना है उनके सामने हार देंगे, लेकिन कलाबेन की जीत पक्की है। विश्वास दिया है, आश्वासन नहीं दिया है। हमेशा जब इस प्रकार की चुनाव प्रक्रिया होती है तो सेंट्रल से जो ऑब्जर्वर होते हैं हम उनके ऊपर हमेशा विश्वास रखते हैं। वो पूरी तरह से एक न्यूट्रल तरीके से काम करने का उनको आदत है, उनकी भूमिका रहती है। यहाँ भी जो दो अधिकारी बैठे हैं दिल्ली से आए हैं और हमारा उनके ऊपर पूरा विश्वास है। प्रशासन दबाव में काम कर रहा है, नीचे का प्रशासन हमेशा दबाव में ही रहा ना, इसीलिए वजह से तो मोहन भाई दिलकर जी को अपनी जान गंवानी पड़ी। इतना बड़ा उदाहरण आपके सामने है, प्रशासन किस प्रेशर में होता है। खरेखर हमें लगतु है कि जो परिस्थिति पहला थी, मारा पिताजी वक्त जो परिस्थिति थी, जो प्रशासक का दबाव हो, तो ये दबाव हमें आ इलेक्शन में भी दिखाई रही है। हमें पूरी तरह चाहता है कि हमें लोग एक शांतिपूर्वक इलेक्शन जाए, सारी रीते जाए, निजे लोगों की लागनीशील है लोग आ इलेक्शन में दिखाए अने शांतिपूर्वक जाए। निजे आ लोग कहे कि भय फैलावे शिवसेना वाला, पण खरेखर एम जो तो कौन भय अने डर फैलावे आखी दुनिया समक्ष है। ऊपर थी सामे थी अमारा सुमन भाई ये सामे थी मैसेज आपे पुलिस ने कि इस तरह से मेरे साथ व्यवहार किया जाए, आप प्लीज आ जाइए और इस पर एक्शन लिया जाए। त्यार बाद भी एमने ले जावा नहीं, एमने बुलावे ये सामे थी गया पुलिस स्टेशन गया ने सामे थी कार्यवाही एम पर कर 151 करू, 107 करू, जेल में बेसाड़ा है। और वो जिस प्रकार डेस्परेशन दिखा रहे हैं, फ्रस्ट्रेशन दिखा रहे हैं, वही साबित कर रहा है कि हम लोग जीत रहे हैं। हमें शांति बनानी है, कायदे कानून के साथ चलना है, लेकिन फिर भी मेरा प्रशासन से रिक्वेस्ट है, जो बहुत प्रेशर में नजर आ रहा है, जिस किसी भी अधिकारी से हम बात करते हैं वो 2 मिनट साइड पे चले जाते हैं फोन लेके, पता नहीं किससे बात करते हैं, क्या बात करते हैं। एक आदमी एक आंसर देने के लिए तैयार नहीं है, कहीं फोन करते हैं बाद में ही आंसर मिलते हैं। ये कहाँ फोन आ रहे, क्यों फोन आ रहे हमको नहीं पता है, फिर भी हम चाहते हैं कि ये चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न रहे, क्योंकि चुनाव जितने शांति से संपन्न होंगे, फेयर एंड फ्री संपन्न होंगे, इसी के ऊपर दादरा नगर हिल के लोगों की छवि का भी सवाल है, हमारे प्रशासन की छवि का भी सवाल है, और यहाँ जो केंद्र से ऑब्जर्वर आए हैं पुलिस और चुनाव आयोग के, उनकी छवि का भी सवाल है। हम सबकी छवि संभालना चाहते हैं, हमें हमारी जनता पे भरोसा है, जनता हमारे साथ है। बहुत बड़ी मार्जिन से कलाबेन जीत रही है, ये सारा जो खेल खेला जा रहा है उसके पीछे केवल यही एक हकीकत है। सतत 24 कलाक समाचार जो डाउनलोड करो ईटीवी भारत।